नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, राजनीति के जानकारों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल दौरे और भाजपा नेताओं से मुलाकातों के बाद निगम मंडलों की लंबित नियुक्तियों का रास्ता अब साफ हो जाएगा। लेकिन जब इस संबंध में नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह से पूछा गया तो उनका जवाब कुछ और ही था। सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन 2 से 3 घंटे कोरोना को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, स्वयं जिले में जा रहे हैं और मंत्रियों को जिम्मेदारियां भी सौंप रहे हैं। इस समय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना से निपटना है। जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब इस विषय पर चर्चा की जाएगी। सांसद सिंधिया की बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिंधिया कोई दबदबा या दबाव बनाने भोपाल नहीं आ रहे, वे जैसे पहले भोपाल आते रहे ठीक वैसे ही अब भी आ रहे हैं। सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वे भोपाल आ रहे हैं तो मुलाकात होना तो स्वाभाविक ही है। सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, हमारे यहाँ भी चाय पर आएंगे। नेताओं के घर जाना और उनसे मिलना एक सामान्य शिष्टाचार है। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं सर, क्या सर ये सिंधिया जी के दौरे के बाद या कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है सर कि कुछ निगम मंडलों में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा? सर देखिए, अभी सरकार की प्राथमिकता कोरोना काल से निपटना है। अभी सरकार कोरोना से निपटने में लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक दिन 2-3 घंटे कोरोना की समीक्षा करते हैं, स्वयं जिलों में जा रहे हैं, मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इस समय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कोरोना से निपटना। जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी इसके बारे में फिर विचार सब चीज़ों पर होगा। इस मेल मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए सर? देखिए, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो भोपाल आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के लोगों से मिलना, पार्टी के लोगों के यहाँ जाना एक ये निरंतर प्रक्रिया होती है। उसी के अंतर्गत सिंधिया जी आज पार्टी कार्यालय भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहे हैं, हमारे यहाँ भी चाय पे आएंगे, बाकी जगह भी जाएंगे। इस तरह से एक सामान्य मुलाकात शिष्टाचार भेंट जिसको कहते हैं। सर, कांग्रेस की तरफ से एक बयान आ रहा है कि सिंधिया। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।